ब्रेकिंग न्यूज, आईस एआई एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सीए फाउंडेशन जून 24 स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। सीए फाउंडेशन जून 24 स्टूडेंट्स के साथ। अभी कुछ दिनों से फेक न्यूज वायरल हो रहा था, आप लोग अगर सोशल मीडिया पे हो तो आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप लोग चार्टर्ड स्टडीज का फैमिली हो। जैसे कि आप लोगों को पता है सीए फाउंडेशन जून 24 का एग्जाम देने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद बुक ऑर्डर करना होगा और इसके बाद एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करने के बाद बुक ऑर्डर करते हैं और एग्जाम फॉर्म फिल करना भूल जाते हैं या गलत तरीके से एग्जाम फॉर्म फिल कर देते हैं, जिससे एग्जाम में अपीयर ही नहीं कर सकते, उनका एडमिट कार्ड नहीं रिलीज होता। तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, ऑफिशियल जो चार्टर्ड स्टडीज का यूट्यूब चैनल है उसी को आपको सब्सक्राइब करना है। चार्टर्ड स्टडीज टाइप का बहुत सारा फेक चैनल बन गया, उससे आप लोगों को सावधान रहना है। स्टूडेंट्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग चार्टर्ड स्टडीज के यूट्यूब चैनल पे नए हो, यही चैनल ऑफिशियल है तो आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जैसे ही एग्जाम फॉर्म फिलिंग ओपन होगा सबसे पहले ये चैनल आप लोगों को अपडेट करेगा। जैसे ही आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे लेटेस्ट अनाउंसमेंट वाला सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखोगे आज के डेट का, सॉरी माफ करना 13 जनवरी 2024 यानी कि कल के डेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। मैं बिजी होने के कारण कल अपडेट नहीं कर पाया, बट जैसे न्यूज को मैं कवर करूंगा चारों तरफ से ये न्यूज कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है आईएआई के सीए फाउंडेशन जून 24 का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 1 फरवरी 2024 कर दिया गया है। अगर आप लोग चार्टर्ड स्टडीज को फॉलो कर रहे होगे तो मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही बता चुका हूँ 1 फरवरी 2024 आखिरी डेट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका, बट इसके बारे में बहुत सारे लोग गलत न्यूज बोल रहे थे, 1 जनवरी 2024 आखिरी डेट बोल रहे थे, वैसे लोगों से आपको सावधान रहना है। और आज के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, 1 फरवरी 2024 आखिरी डेट को कर दिया गया। सबसे पहला काम क्या करना, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद 7 से 10 दिन वेट करना है, रजिस्ट्रेशन कन्फर्म का मेल मैसेज आएगा, इसके बाद अगेन वेट करना है 7 से 10 दिन, सीडीएस का मेल आएगा, इसके बाद फ्री में बुक ऑर्डर कर सकते हो, यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल आएगा, इसके बाद सीडीएस का मेल आएगा, इसके बाद फ्री में बुक ऑर्डर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना, फ्री में बुक कैसे ऑर्डर करना, डिटेल वीडियो बना रखे हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आपको जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको सच में जेन्यून हो और आपको डाउट हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करने वाला वीडियो देख लो और बुक कैसे ऑर्डर करने वाला वीडियो देख लो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, किसी से कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, बुक ऑर्डर करने के बाद आपको पढ़ाई करना है, जैसे ही एग्जाम फॉर्म फिलिंग ओपन होगा सबसे पहले ये चैनल आपको अपडेट कर देगा। रिपीटर को, जो लोग ऑलरेडी फाउंडेशन का एग्जाम दे दिए उनके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना, उनको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिल करना। रिपीटर वाला तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका है ना, उनको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिल करना था, दोबारा से आपको 9000 का पेमेंट नहीं करना। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। और हाँ, अगर आप लोग मेरा हेल्प करना चाहते हो, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज, स्टूडेंट्स चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारा चार्टर्ड स्टडीज टाइप का फेक चैनल बन चुका है यूट्यूब पे, उससे आपको सावधान रहना है। प्लीज स्टूडेंट्स चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब